हेलो एवरीवन, मैं देवेश देवांगन, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोग आज से सिमिलर ट्रायंगल के बारे में जानेंगे। सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट को जानेंगे, फिर उसके आधारित कुछ क्वेश्चन करने का भी प्रयास करेंगे। तो सिमिलर ट्रायंगल एक बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझेंगे। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो इसको भी जानना जरूरी है। यह भी ज्योमेट्री का एक सेक्शन है, इसमें अलग करने की बात नहीं है, लेकिन सिमिलर ट्रायंगल उसका हेडिंग रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है, देखो दो ट्रायंगल लेंगे हम लोग, ऐसा एक ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी। ध्यान देंगे कि प्रॉपर्टी को, ए बी सी एक ट्रायंगल ले लिया और एक और ट्रायंगल ले लेते हैं कुछ ऐसा, ठीक है। ये हो गया पी क्यू और ये आर। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में हम लोग सिमिलैरिटी देखेंगे, यानी कि समरूपता उसको बोलेंगे, समरूप त्रिभुज बोलते हैं इसको, ठीक है, समरूपता देखेंगे। इसको हम लोग जो जो एंगल ए है, जो एंगल ए है जितना है, मान लो ये 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री है, ऐसा मान के चल रहे हैं। वैसे ही मान लो एंगल बी जितना है, वैसे ही एंगल क्यू भी उतना है, वैसे ही एंगल सी इसके बराबर है, आर के बराबर है, आर के बराबर है। कहने का मतलब, इसका ये एंगल बराबर है, इसका ये एंगल बराबर है, इसका ये एंगल बराबर है, या कहा जाए कोई दो एंगल बराबर है, ऐसा मान लो कोई दो एंगल बराबर है, तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा ही होगा। ऐसी स्थिति में ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। कोई दो एंगल, मान लो ये दो एंगल है, ये दो एंगल का तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको कहेंगे एंगल एंगल सिमिलैरिटी, एंगल एंगल। तीन तीसरा एंगल इसलिए नहीं लिखा गया है क्योंकि तीसरा जरूरी नहीं है, वो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, एंगल एंगल सिमिलैरिटी, ठीक है। तो इस हिसाब से ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, इसको समझना है। यहां पे क्या होगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसमें ध्यान देने बात वाली बात यह है कि ए बी सी लिखा है तो पी क्यू आर जैसे एंगल समान रहेगा वैसे ही लिखना है। इसको हम लोग क्यू आर पी नहीं लिख सकते यहां, उससे सिमिलर नहीं होगा वो, ये इसके बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए और ये इसके बराबर होना चाहिए, तब जाके ऐसा। मान लो लिख दिए हम लोग ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू आर पी, तब जाके ये गलत हो जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हाँ, ऐसा वाले लिख सकते हैं, मान लो ट्राइंगल बी सी ए, ये बी सी ए ऐसा लिखे हैं तो सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू आर पी, ऐसा लिख सकते हैं, मतलब जो जिसके सामने है उसके बराबर आना चाहिए, ठीक। ये तो एक प्रॉपर्टी हो गया। अभी इसको हम लोग समझते चले जाएंगे, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, और इस पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चन रेलवे एसएससी व्यापम के परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो इसको आपको ध्यान से समझना चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं। एक तो सिमिलैरिटी समझ में आ गया कि एंगल एंगल, यानी ए सिमिलैरिटी समझ में आ गया। दूसरा दूसरा यहां पर आएगा साइड साइड साइड, भुजा 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 बोलेंगे हिंदी में, साइड 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 सिमिलैरिटी। लेकिन यहां आप लोग ध्यान देंगे कि ये तो छोटा दिखाई दे रहा है, ये बड़ा दिखाई दे रहा है, तो सिमिलर कैसे होंगे, ठीक है ना। ये छोटा है ये बड़ा है, तो साइड तो बराबर होंगे नहीं, एंगल्स तो बराबर हो गए चलो मान लिए, लेकिन साइड कैसे बराबर होंगे। तो यहां पे हमको साइड बराबर हो यह जरूरी नहीं है, लेकिन साइड जो है वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। कैसे प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, देखो ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू इज इक्वल टू, ये किसके बराबर, बी सी, मतलब जैसा है वैसे चलते जाओ, क्यू आर इज इक्वल टू, यहां क्या बच गया, ए सी और ये पी आर, ये ऐसा होना चाहिए। इसको कहेंगे साइड 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 सिमिलैरिटी। इसका मतलब जो तीनों साइड्स के प्रोपोर्शन आपस में इक्वल रहेंगे, प्रोपोर्शनल रहेंगे, ऐसा बोलो, रेशियो इक्वल रहेंगे, प्रोपोर्शनल रहेंगे, ठीक है, तब क्या हो जाएगा वो साइड 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 सिमिलैरिटी। और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अभी तक, हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आया कि ये सब क्या बता रहा हूं मैं, उसका कैसा यूज करना है, उसको धीरे धीरे माइंड में बैठाना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये समझ गए। एक और सिमिलैरिटी होता है इसका, एस ए एस, साइड एंगल साइड। देखो इसमें मैं क्या बोला हूं, तीनों के तीनों क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए, ठीक है,
तीसरा है साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ठीक है। इसमें क्या होगा कि दो साइड प्रोपोर्शनल होंगे, दो साइड प्रोपोर्शनल होंगे, उनका रेशियो इक्वल होगा ऐसा, ठीक है। और जो ये एंगल है ये प्रोपोर्शनल नहीं होगा, ये इक्वल होगा, दो साइड प्रोपोर्शनल और कोई एक एंगल कहीं का, जैसे ये साइड आ रहा है, ये साइड आ रहा है, तो बीच का एंगल आना चाहिए, ठीक है। इधर का एंगल नहीं आएगा, ये साइड आ रहा है, ये साइड आ रहा है, तो यहां पर एंगल आना चाहिए, साइड एंगल साइड, तो हो जाएगा सिमिलरिटी। क्वेश्चंस करेंगे समझ में आएगा, अभी तो माइंड में याद रखना है तीन प्रकार का होता है, एंगल एंगल, साइड 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 और साइड एंगल साइड, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूं आपको क्या क्या क्वेश्चन है, बताने की कोशिश करूंगा, और इसमें बहुत सारे और प्रॉपर्टीज हैं, उसको भी हम लोग पहले देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज को कंप्लीट कर लेते हैं, और उसी प्रॉपर्टीज, जो भी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज हैं, उसी से क्वेश्चन आया हुआ है। देखो जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रॉपर्टी है, मैं अभी जो बताया हूं थोड़ी देर पहले, ये ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी क्यू आर, ये है, और उसके बाद क्या है ए सी और ये पी आर, ये सबसे ज्यादा यूज होता है, इस चीज को ध्यान में देना है, इस चीज को ध्यान में रखना है, सबसे ज्यादा यूज होता है। और इसमें इसका जो एरिया है और पेरीमीटर है वो भी किसी न किसी तरीके से बराबर होंगे। तो देखो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, पेरीमीटर क्या हो जाएगा परिमाप, और पेरीमीटर ट्राइंगल किसका पी क्यू आर, इन दोनों का जो प्रोपोर्शन है वो भी इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, देखो इसके इक्वल होगा, सीधा सीधा ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर और ए सी बाई पी आर के बराबर होगा, पेरीमीटर दिया हुआ था, इसका मतलब इसको हम लोग बराबर ऐसा लिख सकते हैं, ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। और तीसरी प्रॉपर्टी है, चलते चले जाएंगे, मैं इसको रफ कर लेता हूं फिर उसको आपको समझाता हूं। देखिए नेक्स्ट देखेंगे, यहां पे मैं दो ट्राइंगल बनाया हुआ हूं, जहां पे ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर है, ऐसा बता रहा हूं मैं, दोनों ट्राइंगल क्या है सिमिलर है, तो एक चीज और निकल के सामने आएगा, जो इसके मीडियंस होंगे, जो मध्यिकाएं होंगी, वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, रेशियो में बराबर हो जाएंगे। जैसे कि यहां पे क्या है ए डी है, यहां पे एक मीडियन, तो ए डी जो उसके ठीक सामने जैसा दिखाई दे रहा है ये पी एस, इसके फिर उसके बाद क्या है, यहां भी इधर को ले लें क्या, चलो इसको ले लेते हैं बी ई, और इधर क्यू टी, और क्या बच गया उसके बाद सी एफ और ये आर यू, ये ऐसा प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मतलब उसके मेडियंस भी आपस में क्या हो जाएंगे प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। मेडियंस मतलब क्या होता है, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, यदि ये मेडियन है तो इस साइड को वो बराबर बराबर भागों में बांटेगा, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, इसको भी आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी क्या दिया रहेगा ट्राइंगल इसके इक्वल में दिया रहेगा, कोई इसका मेडियन दिया रहेगा, फिर इसका मेडियन आपको निकालना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से आपको ये याद रहेगा, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सिमिलर ट्राइंगल का खासियत यही है कि इसमें भी यही ज्योमेट्री के पूरे सेक्शन में ये भी एक है, तो प्रॉपर्टी ही मेन है, प्रॉपर्टी आपके माइंड में बैठा रहेगा तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन प्रॉपर्टी थोड़ा सा भी स्लिप होगा तो क्वेश्चन बनाने में मुश्किल हो सकती है, ठीक है। तो देखते हैं अभी और बना बना के इसमें और क्या क्या प्रॉपर्टीज है, सारा का सारा क्लियर कर लेंगे फिर हम लोग क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल पहले क्या है सिमिलर है, तब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं मैं, पहले से इसमें स्टार लगा लेता हूं, तब क्या होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, मतलब इन दोनों का रेशियो किसके बराबर होगा, इनका जो हाइट होगा, इसका हाइट है ए डी, इसका हाइट है पी एस के स्क्वायर के बराबर होगा, जैसे कि ये ए डी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी एस होल स्क्वायर। देखो इस प्रॉपर्टी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसी प्रॉपर्टी से मैं क्या बोल रहा हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, इसका ए हाइट है ए डी स्क्वायर और ये पी एस स्क्वायर हाइट है, मतलब ये क्या है 90 डिग्री है, ये क्या है 90 डिग्री है, उससे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको माइंड में रखना है, क्वेश्चन करते समय मैं डायरेक्ट यूज करूंगा इस चीज को, इसीलिए मैं पहले से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूं, हालांकि थोड़ा थोड़ा रेफरेंस दे सकता हूं, ठीक है। एक अदर प्रॉपर्टी है जो इससे रिलेटेड नहीं है सिमिलर ट्राइंगल से, लेकिन सिमिलर ट्राइंगल के क्वेश्चन में वो यूज होगा, बहुत जगह यूज हुआ है, मैं पहले इसको बता चुका हूं, फिर भी एक बार और देखिए, ये ट्राइंगल है, मान लो मैं इसको ऐसे तिरछा कर लेता हूं, तिरछा नहीं दिख रहा है, और तिरछा कर लेते हैं तभी उस प्रॉपर्टी को हम लोग समझ पाएंगे, ठीक। ये ऐसा हो गया ट्राइंगल, इसका मिड पॉइंट ये दिख रहा है, इधर का मिड पॉइंट ये दिख रहा है, इधर का मिड पॉइंट लगभग यहां पे दिख रहा है, ये ए ये बी ये सी, ये ए बी सी है, ध्यान देना है। अब इस मिड पॉइंट्स को मैं जोड़ रहा हूं, मिड पॉइंट्स को मैं क्या कर लिया, जोड़ लिया, इसको मैं डी ई नाम दे दिया,
इसको मैं डीई नाम दे दिया, बहुत ध्यान से देखेंगे इसका इस्तेमाल भी बहुत बार हुआ है इसलिए मैं इसको बता रहा हूं, ठीक है। हालांकि ये सिमिलर ट्राइंगल से अलग है। अभी देखिए ऐसी स्थिति में जब ये मिड पॉइंट मतलब ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, मिड पॉइंट को जब मैं जोड़ा हुआ हूं, ऐसी स्थिति में एक चीज निकल के सामने आएगा, डीई पैरेलल टू बीसी। डीई पैरेलल टू बीसी मतलब कभी भी ट्राइंगल में कोई दो साइड के मिड पॉइंट को यदि हम लोग जोड़ देंगे, मिड पॉइंट को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तब वो जो तीसरा साइड जो बच जाएगा, ये तीसरा साइड है जो बच गया इसका मिड पॉइंट हम नहीं जोड़ रहे हैं, उसके वो पैरेलल हो जाएगा, उसके वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, डीई पैरेलल टू बीसी। देखो इसीलिए मैं इसको तिरछा बनाया हूं, नहीं तो कभी कभी क्या होता है सीधा बनाया, हाँ वैसे तो दिख रहा है। जैसे कि इसमें देखो, मैं मान लो इसका मिड पॉइंट ये है और इसका मिड पॉइंट लगभग यहां पे आएगा, ठीक है, इसको जोड़ा, ठीक है, यहां पे चलो ये ऐसा, तो ये क्या हो जाएगा सीधा, इसको मैं पी क्यू आर एस एक्स वाई ले लेते हैं, ठीक है, ये पैरेलल तो दिख रहा है, ये हो गया पैरेलल। वही मैं बोल रहा हूं, किधर से भी जोड़ो आप, इधर से इधर जोड़ोगे तो इससे पैरेलल होगा, इधर से इधर जोड़ोगे तो इससे पैरेलल होगा, लेकिन पैरेलल होगा वो, एक चीज। दूसरा यहां पे क्या होगा, यहीं पे दूसरा चीज ये होगा कि जो डीई होगा यहां पे, जो डीई होगा हमेशा हाफ ऑफ बीसी, मतलब जिस साइड के वो पैरेलल है उसका क्या हो जाएगा, वो आधा हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सिमिलर ट्राइंगल से रिलेटेड नहीं है लेकिन जरूरी है इसलिए मैं इसको बता रहा हूं। डीई पैरेलल टू बीसी और डीई बीसी का हाफ हो जाएगा, इस चीज को माइंड में रखना है। फिर हम लोग क्वेश्चन को आगे करते चले जाएंगे, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यदि आपको प्रॉपर्टी याद है तो। नेक्स्ट पार्ट से हम लोग सिमिलर ट्राइंगल पर जो भी क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल है उसको मैं बताने का प्रयास करूंगा, आप उसको समझने का प्रयास करें। सिमिलर ट्राइंगल बहुत ही ईजी है, अभी तक हम लोग ज्योमेट्री के 15 लेसन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, सभी के सभी लेसन इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी के सभी लेसन में मैंने कुछ ना कुछ नया नया कॉन्सेप्ट बताया है, उसको आप देखिए पूरा, एक बार पूरा देख लेंगे फिर आपको किसी और चीज की आवश्यकता नहीं होगी, आप सीधा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए रेडी हो जाएंगे। अभी कुछ और यहां पे मेरे पास है, सर्कल का है, ट्रायंगल का है, सब प्रॉपर्टीज और क्वेश्चन में खत्म करूंगा, ज्योमेट्री के जितने भी लेसन मैं आपको बनाकर दूंगा उसको आप देख लेंगे तो और कुछ आवश्यकता आपको नहीं होगी, आपको भटकना नहीं पड़ेगा अलग अलग कॉन्सेप्ट को ढूंढने के लिए, अलग अलग बुक्स में जाने की आवश्यकता नहीं होगी, मैं सभी बुक से कलेक्ट करके अच्छे अच्छे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट को कलेक्ट करके आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं। तो मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन लेके आते रहूंगा, आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए और बिल्कुल शेयर तो जरूर करिए, आप लोग शेयर करने में कंजूसी कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं, मेरा शेयर रिपोर्ट बिल्कुल नेग्लिजिबल है, तो मुझे बिल्कुल सपोर्ट कीजिए तभी जाके मैं आगे लेसन कंटिन्यू कर पाऊंगा। थैंक यू।